इबन खलदून इबन खलदून वो मुस्लिम फ़िलासफ़र है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ़ पोलिटिकल सोशोलॉजी जो बहुत ज़्यादा रिमार्केबल हैं जहाँ डिसिप्लिन ऑफ पोलिटिकल सोशोलॉजी की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन के कॉन्टेक्ट में वी हैव टू स्टडी वेरियस वेस्टर्न एंड यूरोपियन फ़िलासफ़र्स तो इबन खलदूँन की जो कॉन्ट्रीब्यूशन स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द सोशल ऑर्डर पोलिटिकल ऑर्डर कि कैसे सोसाइटीज़ जो हैं वो डवेलप होती हैं कैसे सोसाइटीज़ ग्रो करती हैं और फिर कैसे सोसाइटीज़ डाउ down, का डाउनफॉल होता है उसमें कौन से इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं कौन से एजेंट्स हैं तो इबन खलद को स्टडी करना इंतहाई अहम हो जाता है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ पोलिटिकल सोशालोजी तो सबसे पहले आ, हम जानने की कोशिश करते हैं इब्ने खलद के बारे में इब्तदाई मालूम के हवाले से बिकॉज इबन खलद वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड वर्स टाइल पर्सन एंड थिंकर द वर्ल्ड एवर सो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जितनी वैरायटी है जितनी थॉट प्रोवोकिंग आइडियाज़ इब्ने ख के पास हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर समझे जाते हैं बिकॉज बिसाइड बींग द टॉप मुस्लिम फ़िलासफ़र ही वॉज ऑल्सो प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशन एंड एक्सपर्ट हिस्टोरियन चूँकि इबन खलदून ने पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस भी किया मुख्तलिफ़ मुख्तलफ हकूमतीहदों पर फाइज रहने की वजह से हकूमतों को नज़दीक से देखने की वजह से वो जो अंदरूनी मालूम जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियसिस की बेस पर इबन खलदून ने कॉन्जन्स ड्रा किए और फिर उन कॉन्क्लूजनस को बाकायदा आगे आने वाले हालात वाक्यात ने वेरीफाई भी किया इस वजह से उनकी कॉन्ट्रीब्यूशनस जो हैं वो सबसे ज़्यादा अलहदा और प्रैक्टिकल समझी जाती हैं इज़ फिलोसॉफिकल अप्रोच टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री गेव हिम अ प्लेस अमंग द पाइनियर्स ऑफ फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री को महज वाक्यात के तलसल की तरह से समझा या पढ़ा जाता था लेकिन इब्न खलदून ने हिस्टोरिकल जो एनालिसिस है उसमें जो ख़ास एक फ़िक्री और अप्रोच का इजाफ़ा किया कि हिस्ट्री में महज वाक़ात का तसलसल नहीं है बल्कि इसके अंदर जो तोजीहत होती हैं जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनको इस एंगल से देखना चाहिए कि वो वाकत महज वाक़ नहीं होते उसके बैकग्राउंड के साथ लिंक कैसे किया जाएगा ये हमें इब्ने खल के यहाँ मिलता है सो इट वाज द मिड ऑफ द फोटीन सेंचुरी व्हेन मुस्लिम्स इन स्पेन वर फेसिंग प्रसिक्यूशन एंड मुस्लिम वाज इधर एक्सपेल्ड फ्रॉम द कंट्री और वर फोर्स टू रीलिंक्विश द रिलीजन ऑफ देयर एंसेस्टर्स बाय सॉल्ड सो ओइंग टू दिस सिचुएशन the muslim families they left spain and they were headed towards africa and ibn khaldun also and his family also experienced the same situation and in this context his contributions and his basically uh, by experiencing the worst environment and worst uh, declining situation he gave एंड प्रजेंटेड हिज़ आइडियाज़ दैट वाई द स्टेट्स राइज एंड वाई द स्टेट्स हैव टू फेस द डाउनफॉल क्योंकि एक बात है महज सोच कर लिखना उसकी तवजी देना लेकिन जब आप ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ वाक़ात को ख़ुद एक्सपीरियंस करते हैं और आप ये देखते हैं कि कैसे मुश्किल हालात के अंदर कॉमें जब उन पर जवाल आता है जब उन पर मुश्किल हालात आते हैं और उन्हें एक जगह से माइग्रेट करना पड़ता है उन हालात वाक़ात की वजह से और अगर हम ये तस्वूर करें कि ये वाक़ सदियों पहले जब सफ़र की सहूलतें भी मैसर नहीं थीं जब लोगों के ज़रा भी महदूद होते थे जब उस वक्त ऐसे हालात का सामना करना पड़ा तो उन ख़ानदानों के साथ उन लोगों के साथ और ख़ास तौर तो पर वो लोग जो उस वक़्त अपनी बचपन की ज़िंदगी गुजार रहे थे जिनके पास उस वक़्त इतने तजुबात नहीं थे जब उनको अपना घर बार अपने दोस्त अहबाब कुछ छोड़ना पड़ा या जो लोग साथ चले उनको रास्ते में कौन सी मुश्किल का सामना करना पड़ा और फिर कैसे हालात से गुज़रने के बाद एक नई जगह पर सेटल डाउन होना ये सारे के सारे वो मामला वो वाक़ जिनकी बुनियाद पर इबन ख़लदून ने अपने नज़रियात पेश किए इसी वजह से ये कहा जाता है कि इबन खलद अपनी तहरीरों की बुनियाद पर ना सिर्फ उनकी तहरीरों की रेलिवेंस आज भी है बल्कि जैसे उन्होंने तारीख को बयान किया वो महज हिस्ट्री नहीं है वो हिस्टोरोग्राफी है यानी तारीख़ को लॉजिक के साथ रिलेट करके पेश करना और फिर हिस्ट्री, सोसाइटी पॉलिटिक्स इन सब का कॉम्बिनेशन जब इब्ने खलदून के यहाँ मिलता है और वह अपनी सोच के साथ इन वाकयात को तहरीर करते हैं तो ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के फील्ड के लिए बहुत इम्पॉटेंट कंट्रीब्यूशन है जो इब्ने खलद ने किताबों की शक्ल में इब्ने खलदून ने अपने नज़रियात की शक्ल में और अपनी तहरीरों की शक्ल में दुनिया तक कम्युनिकेट की तो बहसीयत स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल सोशालोजी शायद इबन खलदून को ख़ुद भी उस वक़्त इतना अंदाज़ा नहीं था कि आने आने वाली सदियों के अंदर उनकी तहरीरें किस कदर इम्पॉटेंट होंगी और कैसे उनका ताल्लुक जो है वो आइंदा वाक़ के साथ भी एप्लीकेबल होगा तो हम कह सकते हैं कि ही इज़ द वेरी फर्स्ट साइंटिस्ट बेसिकली हु हैज लेफ्ट अ परमानेंट मार्क ऑन साइंसेस ऑफ हिस्टोरोग्राफी एंड सोशोलॉजी